उज्जैन पुलिस 6 बदमाशों के घर तोड़ने के लिए डीजे और ढोलक बाजे के साथ निकली। पुलिस ने अपराधियों को शक्ति का संदेश देने के लिए प्रोसेशन निकालकर बदमाशों के घर पर पहुंचकर उनके घर को तोड़ा। गुरुवार को एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल सम्राट नगर, विराट नगर, शिव शक्ति नगर आदि स्थानों पर रहने वाले कुख्यात बदमाश के घर पहुंची। पुलिस की टीम ने नगर निगम की सहायता से 4 कुख्यात बदमाशों के मकान के आदेशों को तोड़ दिया। संभवतः देश में पहली बार पुलिस इस तरह की कार्रवाई बदमाशों पर कर रही है। एसपी सचिन शर्मा के निर्देश पर बदमाशों के मकानों को ध्वस्त करने के लिए एक एडिशनल एसपी, 2 सीएसपी, आधा दर्जन थाना प्रभारी, भारी पुलिस फोर्स बल के साथ डीजे की धुन पर देशभक्ति गीत पर पुलिस का प्रोसेशन निकला। बदमाशों के घर के सामने ढोलक बजाई गई और उनके घर के अतिक्रमण वाले हिस्से को नगर निगम की गैंग ने तोड़ दिया। इस अलग अंदाज की कार्रवाई में बदमाशों के हौसलों को पस्त करने के लिए शहर के कई इलाकों से भारी पुलिस बल फोर्स एक साथ निकला और गुंडा अभियान के अंतर्गत पुलिस प्रशासन द्वारा सम्राट नगर, विराट नगर, शिव शक्ति नगर सहित अन्य स्थानों पर 4 बदमाशों के मकानों को ढोलक बजाकर मुनादी कर भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की रिमूवल टीम गैंग द्वारा जमीन दोज किया गया। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि शहर में अपराध पर नियंत्रण रखने, बदमाशों में खौफ पैदा करने और हफ्ता वसूली, मारपीट सहित गंभीर अपराधों में शामिल बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए 6 बदमाशों के मकान शाम तक तोड़ दिए जाएंगे। टीम भारती न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश है कि आपराधिक तत्व, गुंडा तत्व जो कि लोगों में दहशत बनाने का काम करते और अपनी आपराधिक गतिविधियों को छोड़ने का काम नहीं करते, ऐसे लोगों को पूर्व में भी कई बार चिन्हित किया गया, उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया और उसकी जानकारी विधिवत रूप से रेवेन्यू और नगर निगम की टीम को दी गई थी और जिनके आधार पर उनकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर जिन जिन लोगों की अवैध संपत्ति या अवैध अतिक्रमण किया हुआ था ऐसे क्षेत्रों को आज चिन्हित करके उन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज सर कितने मकानों को तोड़ा जाएगा? आज लगभग 6 अपराधियों के अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है और दिन भर आज ये कार्रवाई चलेगी और पूरे उनके 6 अतिक्रमण जो किए हुए हैं 6 की 6 कार्रवाई आज की जाएगी। कौन कौन से थाना क्षेत्र के अपराध है सर और कौन आरोपी है, कितने अपराध है? 2 थाना क्षेत्रों के कुल 6 आरोपी अपराधी हैं, चिमनगंज थाना क्षेत्र और महाकाल थाना क्षेत्र। सर एक नए तरीके से अपराधियों को सूचित करके और यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ने पहुँचे, किस तरह से की जा रही कार्रवाई? जैसा कि आपने देखा है नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाती है उसकी मुनादी की जाती है तो उसी आधार पर आज शासन प्रशासन और नगर निगम टीम के द्वारा मुनादी भी की गई और मुनादी के बाद में जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है उसको आज अंजाम दिया जा रहा है। Subscribe now to most exciting channel ever.